चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम कितनी देर में साफ होता है। सबसे पहला पॉइंट है, 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज एनिमल की, मतलब 10 लाख से ज्यादा स्पीसीज एनिमल की हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, सेलुलर लेवल पाया जाता है कहाँ पर, स्पॉन्जेज यानी पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल की बात करें तो सिलेंटेटा और टीनोफोरा में होता है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिंथ में होता है और एस्केल्मिंथ से लेके बाकी जितने मेंबर है उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेलमिंथ में पाया जाता है। कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो ओपनिंग माउथ और एनस होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज दो तरह का हो सकता है। सिमेट्री की बात करें तो स्पॉन्जेज एसिमेट्रिकल होती है। रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइंडरमेटा में पाई जाती है, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिलेंट्रेट और टीनोफोर में मिलेगा और सिलेंट्रेटा में मीजोग्लिया नाम की लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिंथ से कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में। सिलोम की अगर हम बात करते हैं तो एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के जितने मेंबर हैं सभी में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। स्यूडो सिलोम पाया जाता है, एस्केल्मिंथ में बहुत कॉमन है और यहाँ पर मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एसिलोमेट में प्लेटीहेलमिंथ आपको एग्जांपल आ जाएगा। तीनों फिगर आपको दिए गए, मेटामेरिन पाया जाता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, आप ध्यान रखिएगा। नोटोकॉर्ड की बात करें तो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, आप ध्यान रखिएगा। डॉर्सल साइड में पाया जाता है और जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है उन्हीं को कॉर्डेट कहा जाता है और जिनमें नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। पोरीफेरा से लेके वैसे हेमी कॉर्डेटा तक के मेंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इकाइंडरमेटा में तो जो रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री होती है स्टेज पर डिपेंड करती है। लार्वा में बायलेटरल और सिमेट्री पाई जाती है। फाइलम पोरीफेरा की अगर हम बात करते हैं तो जनरली मैरीन होते हैं। यहाँ पर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। वाटर ऑस्टिया के द्वारा एंटर करता है, बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील होती है और पानी ऑस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में मदद करता है। कोएनोसाइट या कॉलर सेल पाई जाती है जो स्पॉन्जोसील को और दूसरी कैनाल को लाइन करती है। डाइजेशन पूरी तरह से इंट्रासेलुलर होता है। स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर के द्वारा बॉडी को सपोर्ट किया जाता है। ये हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली गैमेट के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो साइकॉन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला एग्जाम्पल दिए गए। साइकॉन को स्काइफा, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता है। निडेरिया नाम कहाँ से आया है? निडोब्लास्ट या निडोसाइट से लिया गया है और निडोब्लास्ट का काम होता है एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। इनमें अगर हम कैविटी की बात करें, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों तरह का होता है। कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। पॉलिप और मेडुसा फेस पाई जाती है। पॉलिप सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है हाइड्रोडेम्सिया में। मेडुसा अम्ब्रेला शेप होता है और फ्री स्विमिंग होता है जैसे ऑरिलिया और जेलीफिश में। लेकिन ऑबिलिया में मेटाजेनेसिस पाई जाती है, यानी दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। पॉलिप मेडुसा को बनाता है एसेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली बनाता है। फाइशेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ और एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सीफेन, गॉर्गोनिया सीफेन और मीनड्राइना ब्रेन कोरल हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर टीनोफोरा के बारे में, जिसे सी वॉलनट या कॉम जेली कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इनमें 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट होती है जो लोकोमोशन में मदद करती है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों तरह का होता है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा होता है सीडिपिट प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। यहाँ पर एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया का फिगर दिया गया। प्लेटीहेलमिंथ को फ्लैट वर्म कहा जाता है। ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं। हुक और सकर पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और प्लेनेरिया में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। डेवलपमेंट मेनी लार्वल स्टेजेज यानी इनडायरेक्ट होता है। टीनिया टेप वर्म और फेशोला लिवर फ्लूक दोनों के फिगर आपको दिए गए। एस्केल्मिंथ को कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं। यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। ये डायसियस होते हैं। मेल जनरली फीमेल की तुलना में छोटे होते हैं और मेल में पोस्टरियर कर्व होता है, फीमेल में पोस्टरियर स्ट्रेट होता है। एस्केरिज जिसे राउंड वर्म कहते हैं। उचरेरिया फाइलेरियल और एंकाइलोस्टोमा को हुक वर्म कहा जाता है। एनिलिडा की अगर हम बात करते हैं बेटा तो एनिलिडा में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनमें बॉडी में सेगमेंट होते हैं जिन्हें मेटामर का नाम दिया जाता है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती है जो लोकोमोशन में मदद करती है। एक्वेटिक एनिलिड जैसे नेरिस की बात करें तो इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो स्विमिंग या लोकोमोशन में मदद करते हैं।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नेफ्रीडिया पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नेरिस टर्सियस होता है, जबकि अर्थवर्म और लीच मोनोइसियस होते हैं। नेरिस फेरिटिमा को अर्थवर्म कहते हैं, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच यानी जोंक आ जाएगी, ये आपको नेरिस और ये हिरुडिनेरिया जोंक आपको दिखाई गई। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है किंगडम एनिमेलिया का, दो तिहाई टू थर्ड जितनी भी स्पीसीज हमारी अर्थ पर वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन बॉडी के ऊपर पाया जाता है, बॉडी हेड थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन गिल बुक गिल बुक लंग या ट्रेकल सिस्टम से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, सेंसरी ऑर्गन एंटीनी आईज कंपाउंड या सिंपल हो सकती है, स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन पाया जाता है, एक्सक्रीशन मालपीजन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में एपिस हनी भी आ जाएगा, बॉम्बिक सिल्क वर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट विक्टर में एनोफिलिस क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो आ जाएंगे जो बीमारियां फैलाते हैं, ग्रिगेरियस पेस में लोकस्टा आ जाएगा, लिविंग फॉलिन लेमुलस जिसे किंग क्रैप का नाम दिया जाता है। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, मोलस्का की बात करें तो बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिफ्रेंशिएटेड होती है। यहाँ पर मेंटल नाम की एक कवरिंग पाई जाती है और मेंटल और जो विसरल हम्प के ऊपर होती है, हम्प और मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी जिसमें फिदर लाइक गिल पाए जाते हैं, गिड रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम करते हैं। हेड रीजन पे टेंटिकल पाए जाते हैं और इनके माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है रेडुला जो कि फीडिंग में मदद करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बेटा, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा पाया जाता है, पाइला जैसे एपरेसनल घोंघा पिंटाडा पल ओइस्टर सीपी या कटल फिश डोलिगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश एप्लाइशिया सी है डेंटेलियम टसेलन चीटोप्लोरा चिटन। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो एक्सोस्केलेटन होता है कैलकेरियस ऑस्किल का और स्पाइनी बॉडीड एनिमल इन्हें कहा जाता है और ये ऑल आर मैरीन, सभी मैरीन यहाँ पर होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में वेंट्रल साइड में माउथ होता है और एनस डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो लोकोमोशन में कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में मदद, एक्सक्रीटरी सिस्टम एबसेंट होता है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, एस्टीरिया स्टारफिश इकाइनस सी अर्चिन एंटीडॉन सी लिली कोकोमेरिया सी कोकम्बर ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो इससे पहले सब फाइलम के रूप में फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था लेकिन अब इसे सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेटा में रखा गया, नई लाइन है। हेमिकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं और ये नोटोकॉर्ड की तरह दिखाई देता है। बॉडी में तीन पार्ट प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक दिखाए गए हैं, बेलेनोग्लॉस जो कि हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है तो इसमें वर्म लाइक मैरीन एनिमल को रखा गया है। बॉडी में प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक तीन पार्ट हो जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, रेस्पिरेशन गिल के द्वारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है जिससे बेलेनोग्लॉसिस में टॉर्नेरिया लार्वा होता है, साइकोग्लॉसिस यहाँ पर एग्जाम्पल है। कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड नोटो कॉर्ड पोस्टनेटल और गिल स्लिट पाए जाते हैं, ये कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेटा में नो कॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है, फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है, पोस्टनेटल प्रेजेंट यहाँ पर एब्सेंट है। बाकी दो अंतर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो सिंगल या उल्टा करेगा वेंट्रल सॉलिड डबल, हर्ट वेंट्रल और यहाँ पर हर्ट अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा, तो इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस होता है और ये पॉइंट एक जगह होता है और एक जगह नहीं होता, इस तरीके से इसको समझिएगा। फाइलम कॉर्डेटा को तीन सब फाइला में डिवाइड किया गया, यूरो कॉर्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सिफेलो कॉर्डेटा और यूरो कॉर्डेटा को मिला के पोर्टो कॉर्डेट कहते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। यूरो कॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है केवल लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है, जबकि सिफेलो कॉर्डेटा में ये हेड से टेल तक प्रेजेंट होता है और पूरी लाइफ टाइम तक परसिस्ट करता है। यूरो कॉर्डेटा में सीरियस सल्वा डोलियोलम और सिफेलो कॉर्डेटा में ब्रेंकियोस्टोमा यानी एम्फियोऑक्सिस या लेंसिलेट आ जाएगा। ये सीडिया का फिगर आपको दिया गया यहाँ पर। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में, तीसरा जो सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम के जो मेंबर होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और एडल्ट स्टेज में कार्टिलेज या बोन के द्वारा बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम होता है। सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। चलिए अब ये वर्टिब्रेटा का आपको क्लासिफिकेशन दिखाया गया, दो डिवीजन इसके बनाए गए, एग्नेथा जिनमें जॉ नहीं होता और नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ होता है। एग्नेथा में एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा में छह क्लास आपको दिए गए हैं। दो सुपर क्लास पाइसेस बनाए गए जिसमें दो क्लास आ जाएंगे और टेट्रापोडा में चार क्लास आ जाएंगे। टेट्रापोडा और पाइसेस क्या है, सुपर क्लास हो जाएंगे।
पाइसेस में दो कॉन्डिक्थिस और ऑस्टिक्थिस क्लास है, और यहाँ पर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और मैमिलिया है। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी मेंबर हैं सब एक्टो पैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं, इनमें सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, जॉ नहीं होते क्योंकि एग्नेथा के मेंबर हैं, स्केल नहीं होते और पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते हैं, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, साइक्लोस्टोम मैरीन होते हैं लेकिन ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में जाने के बाद स्पॉनिंग करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस मैरीन वाटर में ओशन में आ जाता है। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे और मैगजीन हैगफिश इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये पेट्रोमाइजोन का फिगर है। कॉन्डिथिस की अगर हम बात करें तो कार्टिलेजिनस एंडो स्केलेटन पाया जाता है यहाँ पर, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकॉट लाइफ टाइम तक परसिस्ट करता है, गिल यहाँ पर सेपरेट होते हैं और अपरकुलम या गिल कवर नहीं पाता, स्किन पे प्लेक्वाइड स्केल होते हैं, टीथ प्लेक्वाइड स्केल का मॉडिफिकेशन होते हैं, जॉ बहुत ही पावरफुल होते हैं, ये शिकारी होते हैं प्रीडेसियस, और एयर ब्लैडर यहाँ पर नहीं पाया जाता है, एयर ब्लैडर यहाँ पर एबसेंट होता है। हर टू चैम्बर होता है, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं जैसे टॉर्पीडो, कुछ में पॉइजन स्टिंग होती है जैसे ट्राइगोन, ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, बर्ड और मैमल क्लॉज सब पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, बार बार मत याद करिएगा। मेल में पेल्विक फिन जो होते हैं ये क्लेस्पर रखते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनमें से कई सारी वीवी पेरस भी होते हैं, स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रेस्टिस सॉफिस, कैरकिरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगोन स्टिंगरे और टॉर्पीडो भी है यहाँ पर, है ना। ऑस्टिक्थिस की बात करें तो इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, माउथ टर्मिनल होता है, 4 पेयर गिल यहाँ पर पाए जाते हैं और अपरकुलम या गिल कवर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्केल साइक्लॉइड या टीनॉइड होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो बायोंसी प्रोवाइड करता है, और ये ज्यादातर ओवीपेरस होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मैरीन में एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस सीओर्स हो जाएगा, फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, कैटला, कैलेरियस मांगुर और एक्वेरियम में बेट्टा, फाइटिंग फिश और टेरोफिलम एंजल फिश यहाँ पर आ जाएगी। एम्फीबिया की बात करते हैं तो इनमें डुअल हैबिटेट, डुअल लाइफ पाई जाती है, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह रह सकते हैं, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, कुछ में टेल होती है जैसे सेलामेंडर में। स्किन की बात करें तो मॉइस्ट होती, स्केल नहीं पाई जाती, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, आई पे आईलिड पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कॉमन चैम्बर क्लोएका में ओपन होते हैं, रेस्पिरेशन गिल, लंग और स्किन के द्वारा होता है, हर 3 चैम्बर का होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवी पेरस होते हैं जैसे ब्यूफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलामेंड्रा, सेलामेंडर और इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया आ जाएगा। फिर आते हैं रेप्टिलिया पे, रेप्टिलिया की अगर हम बात करते हैं बेटा तो रेप्टिलिया में क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है, बॉडी के ऊपर ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन या एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, हर्ट यहाँ पर यूजुअली 3 चैम्बर का होता है लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का होता है, स्नेक और लिजर्ड अपनी स्केल को स्किन कास्ट के फॉर्म में निकालते हैं जिसे आप केचुल कहते हैं, एग्जाम्पल में चिलोन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टॉइस, कैमिलियन ट्री लिजर्ड, फेलोड गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडक्टाइलिस, वॉल लिजर्ड, घर वाली छिपकली, पॉइजनस स्नेक में नाजा, कोबरा, बेंगारूस, क्रेथ और वाइपेरा वाइपर आ जाएंगे। एप्स यानी बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनमें फीदर का पाया जाना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, और कुछ फ्लाइटलेस बर्ड जैसे ऑस्ट्रिच होती है इनमें बीक पाई जाती है, फोर लिम विंग में मॉडिफाई हो जाती है, हाइंड लिम के ऊपर स्केल पाए जाते हैं जो कि वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, ट्री ब्रांचेस के लिए मॉडिफाई होते हैं, स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं होती है, केवल एक ग्लैंड पाई जाती है ऑयल ग्लैंड बेस ऑफ टेल के ऊपर, एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड यानी बोन के द्वारा बना होता है, और लॉन्ग बोन में लॉन्ग बोन हॉलो होती है जिनमें एयर कैविटी पाई जाती है, न्यूमेटिक कहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में 2 एडिशनल चैम्बर क्रॉप और गिजर्ड होते हैं, हर्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर का होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड है, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है यहाँ पर, और एयर सैक कनेक्टेड होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, एग्जाम्पल कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटेकुला पैरट, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, एक्टोनोडाइट पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन वल्चर हो जाएगा। मैमेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड पाई जाती है जो और कहीं पर ये फीचर नहीं पाया जाता है। स्किन की बात करें तो स्किन पे हेयर पाए जाते हैं, ये भी एक यूनिक फीचर होता है मैमल के लिए, एक्सटर्नल ईयर या पिन्नी यहाँ पर पाई जाती हैं और डिफरेंट टाइप के टीथ पाते हैं, हेट्रोडॉन डेंटेशन होमियोथर्मस होते हैं, गिल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है और यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये वीवी पैरस होते हैं लेकिन ओवी पैरस एक्सेप्शन है, ऑर्निथोरिंकस, डेविल प्लेटिपस, वीवी पैरस में मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्कस हॉर्स एंड डंकी, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पेरिडस, ये हो जाएगा लेपर्ड।